और अगली बड़ी खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के पूर्वी टुंडी में आदिवासी नाबालिग किशोरी के साथ महापाप हुआ है। जंगल में लकड़ियां चुनने के गई आदिवासी किशोरी के साथ लटानी गांव के दो युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है और धमकी देते हुए फरार भी हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी उससे कर रही है। स्थानीय विधायक मथुरा महतो ने गैंगरेप की घटना की वहीं निंदा भी की है। लकड़ी चुनने मेरा बहन और हम गए थे, तो उधर अचानक दो को लड़का उधर से आया और हमको पकड़ के लेके गया, तो मेरा बहन दौड़ के घर चले गए। रेप किया? अच्छा। सब कुछ किया, दो को लड़का था। कौन कौन लड़का था उसमें? उसमें दो को। अभी जो पुलिस पकड़ा किया वही लोग था? हाँ। टंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व रहे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की का 164 का स्टेटमेंट भी दर्ज कराया गया है तथा उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है और जो भी हेल्प उसको हो सकेगी या साइकोलॉजिकल हेल्प या फिर जैसे हॉस्पिटल वाली सुविधाएं वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। घटना घटना गिरफ्तारी हो रहा है, लोग जेल जा रहे हैं, तो ये घटना नहीं घटेगी। इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन जो घटना किया है वो तो गिरफ्तारी हुआ और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता फोन लाइन पर अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए ये पूरा मामला सामने आया, जहां आपने देखा कि किस तरीके से लकड़ी चुनने गई एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। हालांकि इसमें देखिए गिरफ्तारी भी हुई है और अब ये एक राजनीतिकरण भी लेगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है ये भी एक नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए घिनौना हरकत है। अब आज के परिवेश में सब लोग जग चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का लोग घटना का अंजाम दे रहे हैं, ये शर्मनाक घटना है। देखिए दूसरा सवाल भी खड़ा हो रहा है, उज्ज्वल योजना भी चल रहा है हमारे देश में, लेकिन अब लकड़ी चुनने की वहां क्या आवश्यकता थी? हो सकता हो कि गरीबी हो, गरीबी के कारण हो गई होगी। उसी गरीबी का फायदा जो है, दोनों युवक ने बाइक सवार जो गए वहां पे, और देखिए सबसे अहम बात है कि उसकी बहन उसके साथ में थी, छोटी बहन, उस बहन को लोगों ने दरकिनार करते हुए उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर घटना को लोगों ने अंजाम दिया, और अंजाम दिया तो उसके बाद देखिए लड़की जो है हौसला बुलंद करके किसी तरह थाने पहुंची, थाने पहुंच के पूरे अपनी आप बीती कथा सुनाई वहां पे, तब जाके पुलिस ने मामला दर्ज की और जब लड़की ने नाम बताई, पीड़िता ने नाम बताई कि हमारे साथ ये लोगों ने गलत काम इस तरह का किया है, तब पुलिस ने देर शाम तक दोनों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। और इस मामले में खुद सिटी एसपी ग्रामीण एसपी ने बताया कि ये मामला गंभीर है और इस मामले को और हम लोग जांच करवा रहे हैं कि आखिर घटना का कारण क्या है, क्यों घटना का अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो जंगली क्षेत्र है जिस इलाके में गई थी, लकड़ी चुनने के लिए जंगली क्षेत्र है और वहां बहुत कम लोग जाता है, कि आखिर वहां लड़की क्या करने गई थी। कई तरह के ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह सामूहिक दुष्कर्म किया गया है ये शर्मनाक घटना है। सुष्मिता, बिल्कुल अशोक, और देखिए आदिवासी नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म की घटना हुई है और ऐसे में बयानबाजी बेहद होगी, क्योंकि देखिए नाबालिग ने खुद आप बीती जो है वो पुलिस के सामने बताया है और फिलहाल पुलिस ने देखिए तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन ये जांच की आज किन किन लोगों तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।